यूपी में सियासी पारा हाई, बीजेपी आज जारी कर सकती है यूपी विधानसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। उम्मीदवारों की सूची को लेकर कल दिल्ली में बीजेपी ने की थी मैराथन बैठक। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पहले दो चरणों की सीटों पर हुआ मंथन, 94 उम्मीदवारों के नाम तय। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले दो चरणों में कुल 113 सीटों पर होगा चुनाव। बीजेपी चुनाव समिति ने बाकी 19 सीटों पर नामों का फैसला बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर छोड़ा। जेपी नड्डा 19 सीटों पर यूपी में संगठन से चर्चा के बाद लेंगे उम्मीदवारों पर फैसला। आज या कल बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची का कर सकती है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी के लिए विधानसभा सीट फाइनल, अयोध्या से सीएम योगी के नाम पर लगी मोहर। अयोध्या से सीएम योगी के चुनावी मैदान में उतरने की आ रही है खबरों को साधु संतों ने खुशी इजहार की, जिंदाबाद के लगाए नारे। योगी आदित्यनाथ, हनुमान जी महाराज की जय। योगी आदित्यनाथ जी की जय। योगी आदित्यनाथ जी की जय। लड़ेंगे तो जो राम राज की अयोध्या दिखने लग गई है उनके चुनाव लड़ने के बाद में अयोध्या में और निखार आ जाएगा। साधु संतों ने कहा सीएम योगी जितना किसी मुख्यमंत्री ने अयोध्या का विकास नहीं किया। कुछ साधु संतों ने अयोध्या से सीएम योगी की जीत का 60% बताया चांस। कहा विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और बीजेपी से रहेगा अंदरूनी संघर्ष। तो संघर्ष अगर है भी तो सपा से संघर्ष है जो है कि आदित्यनाथ का, भाजपा का कहिए आदित्यनाथ का नहीं हो तो व्यक्तिगत हो गए। बीजेपी से नाता तोड़ने वाले कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने का कर सकते हैं औपचारिक ऐलान। अपने आवास पर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने करीब 35 समर्थकों के साथ अखिलेश यादव से की थी मुलाकात। अखिलेश संघ मीटिंग के बाद बीजेपी पर जमकर बरसे स्वामी प्रसाद मौर्य। कहा जो सुनामी आने वाला है वो बीजेपी के यूपी में परखच्चे उड़ा देगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा, यूपी में बीजेपी की सीटों को 2017 से पहले के आंकड़े पर पहुंचा देंगे। बीजेपी छोड़ने वाले मंत्री दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी आज समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर पहुंचे बीजेपी विधायक ब्रजेश राजपूत और मुकेश वर्मा। कहा बीजेपी की बीमारी दूर करने के लिए धीरे धीरे लगा रहे हैं इंजेक्शन। जाती है जब बड़ी बीमारी हो जाती है तो इंजेक्शन से जाती है, उसमें ओरल मेडिसिन काम नहीं कर पाती है। ओरल मेडिसिन उसमें काम नहीं कर पाती है। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का दावा, फिर बीजेपी के पक्ष में आएगा चुनावी नतीजा। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर कहा यूपी में समाजवादी पार्टी का अपना कुछ नहीं, दूसरे की व्यवस्था से सामान लेकर सत्ता का सपना देख रहे हैं अखिलेश। व्यवस्था से सामान ले, दरअसल समाजवादी पार्टी का अपना कुछ नहीं है, वो दूसरे की व्यवस्था से सामान लेकर के अपनी दुकान चलाने का प्रयास कर रहे हैं। मायावती को झटका, 20 साल से बीएसपी से जुड़े शेख उबैद मोहम्मद ने दिया इस्तीफा। मायावती को लेकर खत में परिवारवाद का लगाया आरोप। कल से शुरू होगा विधानसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन, अलीगढ़ में तैयारियां जोरों पर। कांग्रेस ने हाजी रिजवान को मुरादाबाद नगर से बनाया कांग्रेस उम्मीदवार, समर्थकों ने जमकर मनाया जश्न। हरिद्वार के नारसन बॉर्डर पर महामंडलेश्वर स्वामी यति और जितेंद्र नारायण त्यागी बने वसीम रिजवी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हेट स्पीच से जुड़ा है मामला। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बनने वाले वसीम रिजवी की गिरफ्तारी पर बढ़ा विवाद, हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव अन्नपूर्णा भारती ने अनशन पर बैठने का किया ऐलान। बंगाल के जलपाईगुड़ी में ट्रेन हादसे में 9 की मौत, 36 हुए घायल। पटरी से बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के 12 डिब्बे उतरे, रेस्क्यू अभियान खत्म, 5 लोगों के शव निकाले गए, 3 की अस्पताल में हालत नाजुक। ट्रेन हादसे में घायल हुए यात्रियों में से कई की हालत गंभीर, मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका। हादसे के वक्त ट्रेन में सवार थे 1000 से ज्यादा यात्री। रेलवे ने दिए हादसे की जांच के आदेश, मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान, घायलों को मिलेगी 1 लाख रुपए की मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन हादसे को लेकर रेल मंत्री से की बात, मृतकों के परिजनों के प्रति जताई संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। देश में कोरोना की डराने वाली रफ्तार, 24 घंटे में नए मामले 2,64,000 के पार, 219 की मौत। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस 12.5 लाख से ज्यादा, पॉजिटिविटी रेट करीब 15%।
देश में लगातार बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामले, कुल मामले 5,753 हुए। कोरोना का रिकवरी रेट 95% से ज्यादा, 24 घंटे में 1,00,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। देश में वैक्सीनेशन की बढ़ती रफ्तार, 155 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। मुंबई में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 13,702 नए मामले, 21% हुआ संक्रमण दर। दिल्ली में फुल स्पीड में है कोरोना, 24 घंटे में सामने आए 28,867 नए मामले, एक दिन में 31 की गई जान। दिल्ली सरकार ने लोगों को दिलाया भरोसा, मामले बढ़ रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ रही है अस्पतालों में मरीजों की संख्या। 5 दिन से अब जितने एडमिशन रोज होते हैं लगभग उतने ही हो रहे हैं भाई, जैसे 20,000 केस आए थे और 27,000 आए, तो एकदम से एडमिशन बढ़ने थे, एडमिशन नहीं बढ़ रहे। मुख्यमंत्रियों के संग प्रधानमंत्री की कल हुई बैठक में कोरोना के हालात को लेकर माथापच्ची, वैक्सीनेशन बढ़ाने पर दिया गया जोर। देश आज मना रहा है मकर संक्रांति का त्योहार, वाराणसी में सुबह भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी।